नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउसहोल्ड प्रोडक्ट 02। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो फेस वॉश के बारे में है। ड्राई स्किन फेस वॉश किस तरह बनाया जाता है और किस तरह बना के आप यूज़ कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। ये हर्बल टाइप जो है आपका ड्राई स्किन फेस वॉश है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी है वो है एलोवेरा जेल, ट्राइथेनोमाइन, इसे ट्री 500 भी कहते हैं। ये आपके वाटर को थिक और आपके जो पेस्ट जो होते हैं, जो जेल तैयार होते हैं, वो इसी के वजह से तैयार होते हैं। तो इसे जो है ट्राइथेनोमाइन कहा जाता है। ये ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये कार्बोपोल पाउडर है, विस्कोसिटी में बहुत कम होता है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप विटामिन ई यूज़ करिए इसके अंदर, इसे प्रिजर्व करने के लिए। विटामिन ई जो है आपके स्किन के लिए सबसे अच्छा जो इंग्रेडिएंट्स होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो विटामिन ई होता है। आपकी स्किन और हेयर दो चीज़ के लिए विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप जो है कार्बोपोल पाउडर यूज़ करिए। ये कार्बोपोल पाउडर है। कार्बोपोल पाउडर से होता ये है कि आप अगर इसे पानी में डाइल्यूट करते हो तो ये पहली बात तो जल्दी घुलता नहीं है और इसका विस्कोसिटी बहुत कम होती है। और पानी को थिक करने के लिए, आपका जो प्रोडक्ट है जेल के रूप में तैयार हो जाए, उसी के लिए ही कार्बोपोल पाउडर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कार्बोपोल पाउडर आपको पानी में डाइल्यूट करना है। तो पानी में डाइल्यूट करने से आपका जेल तैयार नहीं होगा, उसके साथ ट्राइथेनोमाइन आपको यूज़ करके ही उसे जो है तैयार करना होगा। ये तो थे बेस इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर, आप रोज़ वाटर यूज़ करिए और इसके बाद बादाम जो है उसको यूज़ करिए, उसके बादाम के पेस्ट को या पानी को यूज़ करिए। उसके लिए इसमें जो है विटामिन ए बहुत भरपूर होता है। और अलसी, ध्यान रखिए दोस्तों, हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें अलसी भी यूज़ करना है। ये भी आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अलसी के फ़ायदे, आपको बहुत कुछ इसके बारे में बता दिया जाएगा। और इसमें आप ग्लिसरीन यूज़ करिए, ग्लिसरीन भी मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। अलसी आपके मॉइस्चराइजिंग का और एंटीसेप्टिक का भी काम करेगी और कोई भी डार्क स्पॉट होंगे आपके फेस पे तो वो भी निकालेगी। ये हर्बल प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। मैं केमिकल और जो है आपका बेस बनाऊंगा और हर्बल जो है आपका जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करूंगा। तो इसमें जो है पहले हम बेस बनाते हैं। बेस के लिए जो है आपको पानी यूज़ करना है। पानी में आपको कार्बोपोल पाउडर डालना है। पानी जो है कार्बोपोल पाउडर अगर पानी में डालते हो तो पहली बात ये है कि कार्बोपोल पाउडर तुरंत पानी में नहीं घुलता। तो याद रखिए दोस्तों कि इसको जो है पानी में घुलने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो कार्बोपोल पाउडर को आप पानी में डाल के उसे मिक्स करते रहिए या तो मिक्स थोड़ा करने के बाद उसे छोड़ दीजिए। ये देखिए मैं इसको यूज़ करूँगा, आप ये तैरेगा क्योंकि जल्दी घुलता नहीं है, देख रहे हैं। ये आप इसे घुमा कितना भी मिक्स करो ये जल्दी मिक्स नहीं होते क्योंकि विस्कोसिटी का इसकी जो है बहुत हल्की होती है और ये जो है घुल तो जाते हैं पर समय लेते हैं। तो इसके लिए जो है मैंने इसका अलग से एक बैच तैयार करके रखा है क्योंकि इसमें जो है समय लग रहा है। और इसके बगैर भी आप नहीं बना सकते क्योंकि आपका जो है ये बेस है। कोई भी फेस वॉश थिकनेस में जेल टाइप होता है तो जेल टाइप बनाने के लिए बेस भी बनाना बहुत ज़रूरी है। अब पूरा हर्बल आप बनाते हो तो भी मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते हो। अगर मार्केट में अगर सेल करना है तो आपको ये जो है बेस यूज़ करना ही पड़ेगा। बेस जो होते हैं केमिकल जो होते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हर्बल होते हैं। तो ये जो है मैंने यूज़ कर रखा था, इस पर मैंने ट्राइथेनोमाइन भी यूज़ कर रखा है। आप कर लीजिएगा, मैं एक मेजरमेंट क्वांटिटी आपको दे दूंगा इसका। और इसके बाद आप इसमें एलोवेरा जेल, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स एक और है जो एलोवेरा जेल है, ये भी आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके बाद इसमें ग्लिसरीन भी यूज़ करते हैं तो मैं इसमें ग्लिसरीन डाल दे रहा हूँ और इसे मिक्स कर ले रहा हूँ अच्छी तरह। और इसके अंदर मुझे एलोवेरा जेल भी यूज़ करना है। ये जो है आपको एलोवेरा जेल आप अगल बगल के आपके जो अगर खेती है इसकी तो आप उसमें से निकाल सकते हो और अगर नहीं है तो आप जो है मार्केट में परचेस कर सकते हो। मैंने मार्केट से परचेस कर रखा है इसलिए इसका कलर ऐसा है, नहीं तो वाइटनेस रहता है इसका कलर। इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिएगा, वाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट कलर में ही मिलेगा आपको ये। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ये आपका बेस इंग्रेडिएंट्स जो है रेडी हो चुका है। इसे अच्छी तरह मिक्स करके आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए ये जो है थिक हो चुका है। जो जेल आप यूज़ करते हो अगर इसे आप और थिक ना करना चाहते हो तो इसमें और ट्राइथेनोमाइन जो है यूज़ करिए, ये और थिक हो जाएगा। पर मेरे हिसाब से बेहतर है, इससे ज़्यादा थिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेहतर है। देख रहे हैं थिक, इसका थिकनेस बहुत अच्छी है। और इसमें आप जो है कलर यूज़ करिए और जो आप पेस्ट बनाओगे रोज़ का, बादाम का, अलसी का,
उसे यूज़ करिएगा इसके अंदर, और इसके बाद इसमें कलर यूज़ कर लीजिए। मैं कलर यूज़ करने जा रहा हूँ, कोई भी फूड कलर आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। केमिकल कलर मत यूज़ करिए, क्योंकि आप स्क्रीन पे यूज़ करते हो, केमिकल कलर दुनिया यूज़ करती है, लेकिन आप मत यूज़ करिएगा। अगर आपके प्रोडक्ट को अगर हर्बल ही बनाना है, प्योर तो हर्बल कोई भी प्रोडक्ट नहीं होते, सब में केमिकल होते ही हैं, लेकिन अगर ये कुछ टाइप हर्बल टाइप होने हैं तो उसमें जो है आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो आपके स्किन के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा हों। तो ये देखिए, कलर डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बाज़ार से ला के इसमें यूज़ कर रखा है। इसी कलर डालने के बाद ही आपको इसमें जो है वो यूज़ करना है आपका पेस्ट, रोज़ बादाम और अलसी के। बादाम और अलसी के जो पेस्ट तैयार करेंगे, या तो उसका पानी बॉईल करके उसका पानी निकाल लीजिए, और रोज़ को तो आपको पता ही है बॉईल करना है, उसका पानी निकालना है, फिर उसे यूज़ करना है फ्रेगनेंस के लिए। याद रखिए, उसे फ्रेगनेंस के लिए यूज़ करना है। बादाम में आपको विटामिन ए मिल जाएगा, और इसमें विटामिन ई यूज़ करना है प्रिजर्व के लिए, इसे प्रिजर्व रखने के लिए कुछ जो, ताकि ये ख़राब ना हो। एलोवेरा जेल, अलसी आपके स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, आपको पता ही है। विटामिन ई आपको बादाम में मिल ही जा रहा है, रोज़ आपको फ्रेगनेंस का काम दे रहा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट आप मार्केट में बना के बेच सकते हो। इसके लिए एम्प्टी जो कैन है मार्केट में अवेलेबल है, वो परचेज़ करिए, और इसके जो क्वांटिटी मेजरमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिए कि किस तरह आप कितने कितने प्रोडक्ट, कितने पर कितने जो है ग्राम आपको यूज़ करने हैं इसे बनाने के लिए। और इसका कैन आपको मोस्टली जो है मार्केट में ऑनलाइन मिल जाएगा, या ऑनलाइन परचेस करिए, इंडिया मार्ट से परचेस करिए, आपको इसके कैन मिल जाएंगे। आप अपना अच्छा सा लेबल लगा के इसे मार्केट में सेल कर सकते हो। और ये ज़्यादा करके अगर आपका ब्रांड अगर नया है तो आप इसे जो है सैलून वगैरह जो होते हैं, लेडीज़ और जेंट्स पार्लर होते हैं, उसमें से बेचने की कोशिश करिए। उसमें जो है ब्रांड आपका धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो आपका जो है प्रोडक्ट वहाँ पे ज़्यादा चलने का चांसेस होता है, और वहीं से जो है धीरे धीरे आदमी को पता चलता है। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप उस जगह पे बेचिए जहाँ पे कंपटीशन कम है। लाइसेंस, फ़िलहाल इसके लिए लाइसेंस तो ज़रूरी है, इसमें ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप घर पर भी बना के इसे यूज़ कर सकते हो। और सैलून वगैरह में अगर बेच रहे हो तो इसमें कोई लाइसेंस आप नहीं भी यूज़ करते तो चलता है, क्योंकि जो बंदे आजकल मार्केट में बेच रहे हैं विदाउट लाइसेंस ही बेचते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।